बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट इन अवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द ओआरसी चैप्टर 1, द रिवर बैंक, एंड ऑल्सो रीड एंड एक्सप्लेन दैट टॉपिक। एंड टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सरसाइज 2 ऑफ ओआरसी। तो पहली एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो हमने सॉल्व किए थे ये वाले, और ये जो एक्सरसाइज नंबर बी में हमारा क्या आ रहा है, इसमें भी हमारे क्वेश्चन आंसर भी हैं, मगर इसमें क्या है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। सेम क्वेश्चन आंसर ही हैं, मगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हमारे एक लाइन दी गई है, उसमें से ही हमारे जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द लाइन एंड देन वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो पहली हमारे जो लाइन आ रही है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से हमने ये लाइन पढ़नी है एंड देन आंसर द क्वेश्चन। तो हमारा पहला रेफरेंस आ रहा है कि एज ही सेट ऑन द ग्रास एंड लुक्ड अक्रॉस द रिवर, अ डार्क होल इन द बैंक अपोजिट जस्ट अबव द वाटर्स एज कॉट हिज आई। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस आ रहा है, इसमें कम्प्लीटली ये लाइन आ रही है। इसमें से अब हमें ये जो मतलब तीन सवाल आ रहे हैं, ये पहला सवाल ए आ रहा है, उसके बाद सेकंड आ रहा है बी में व्हाट डज ही सी इन द होल एट फर्स्ट, और सी आ रहा है व्हाट डज ही सी लेटर। ठीक है बेटा, तो इनके हमें आंसर्स देने हैं। तो पहला हमारा आ रहा है हु इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास एंड व्हाट वाज द डार्क होल दैट ही सा। तो इस तरीके से हमें आंसर्स देने हैं। एक्सरसाइज भी ओआरसी आप हेडिंग देंगे, जैसे आपने ये सवाल फेयर किए थे, आपने जो ये क्वेश्चन आंसर फेयर किए थे, इसके बाद आप ये वाले रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले फेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले आप रेफरेंस लिखेंगे एज ही सेट ऑन द ग्रास एंड लुक्ड अक्रॉस द रिवर, अ डार्क होल इन द बैंक अपोजिट जस्ट अबव द वाटर्स एज कॉट हिज आई। तो इसमें ये तीन मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास एंड व्हाट वाज द डार्क होल दैट ही सा, मतलब ग्रास पे कौन बैठा हुआ था और जो डार्क होल था, व्हाट वाज द डार्क होल दैट ही सा, उस डार्क होल में इसने क्या देखा। अब पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ग्रास पे कौन बैठे हुए थे। तो इसका आंसर होगा द मोल इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास द डार्क होल दैट ही सीज, और जो डार्क होल मतलब होता है उसमें ये देखता है, इज़ वाटर रेट्स होम, मतलब वो किसका होम होता है, रेट का होम होता है। उसके बाद बी व्हाट डज ही सी इन द होल एट फर्स्ट, मतलब ये जो होल होता है उसमें पहले ये कौन सी चीज़ देखता है, समथिंग ट्विंकल्ड, समथिंग ट्विंकल्ड लाइक अ टाइनी स्टार एंड ही सून डिस्कवर्स इट टू बी द वाटर रेड, और वो जो होल में क्या होता है, एक वाटर रेड होता है, उसका वो घर होता है। व्हाट डज ही सी लेटर, उसके बाद में ये क्या देखता है, ही सा अ लिटिल बोट जस्ट बिग इनफ फॉर टू एनिमल्स। ठीक है, तो ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो पहली एक्सप्लेनेशन थी, ये आप अच्छे तरीके से फेयर करेंगे, हेडिंग जैसे लगाते हैं ब्लैक पेन से और जो आंसर देते हैं वो ब्लू पेन से, मगर यहाँ पे नहीं रेड पेन यूज़ किए, तो यहाँ पे जो जहाँ पे रेड पेन है वहाँ पे आपको ब्लैक पेन यूज़ करनी है, और यहाँ पे जो ब्लू पेन लगी हुई है यहाँ पे आप ब्लू पेन ही करेंगे, और मतलब हेडिंग आप ब्लैक पेन से देंगे और आंसर आप ब्लू पेन से लगाएंगे। ठीक है बेटा, ओआरसी वाले पोर्शन में ये जो क्वेश्चन आंसर आपने फेयर किए थे उसके बाद आप लिखेंगे बी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से फिर आप ये फेयर करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क आपके लिए है कि आप अच्छे तरीके से मार्जिन लाइन लगाकर पूरा फेयर वर्क आप सेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।